में प्रदर्शनकारियों के साथ मीटिंग जारी है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ तीसरे दौर की वार्ता चल रही है। और आपको बता दें कि इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद हैं। पंजाब के गृह मंत्री हरपाल चीमा भी इस बैठक में मौजूद हैं। तीसरे दौर की ये बातचीत हो रही है और कोई समाधान निकालने की बात यहाँ पर उसका रास्ता ढूंढा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के गृह मंत्री हैं और किसानों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार इस बात की उम्मीद है कि इस आंदोलन का कोई समाधान निकल जाएगा। और चूंकि आंदोलन की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, धारा 144 भी लगा दी गई है नोएडा में, क्योंकि भारत बंद यानी देश बंद के लिए इन्होंने आह्वान कर दिया है। तो ये बातचीत जो चल रही है उसमें समाधान की उम्मीद है। आंदोलन की आड़ में प्रदर्शनकारी आम लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। सड़क से लेकर रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। कई जगह तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। लगातार तीसरे दिन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं किसान संगठनों ने शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान भी किया, यानी जनता की आफत अभी कम होने वाली नहीं है। लेट जाओगे चिकचिबाजी तो होता होता ही, और दिक्कत हो जाती दीवार पार कर जाने से। अचानक से बॉर्डर बंद हो चुका है तो समस्या तो हो रही है हमको। आम जनता तो पीस ही रही है साहब जी, आम जनता तो पीस रही है, आम जनता तो दोनों को कहेगी। आम आदमी पिस रहा है, हर रोज नई नई परेशानियों से जूझ रहा है। आंदोलन के नाम पर प्रदर्शनकारी आक्रामक हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शनकारी सड़कों के बाद अब रेलवे ट्रैक पर भी जम गए हैं। पंजाब के राजपुरा में प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक ठप कर दिया। लाओ लश्कर के साथ प्रदर्शनकारियों ने ट्रैक पर कब्जा जमा लिया। रेल रोकने के लिए बरनाला, फिरोजपुर, मोगा में भी प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर डट गए। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अलग अलग शहरों में ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसका खामियाजा उन यात्रियों को भुगतना पड़ा जो रेल से अपना सफर तय कर रहे थे। अलग अलग शहरों से इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन की वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर लोगों को सुबह से ही मुसीबतों से दो चार होना पड़ा। कड़े सुरक्षा इंतजाम की वजह से आम लोगों को आवाजाही करने में भारी दिक्कतों से जूझना पड़ा। जहाँ पे कन्वेंस 20 रुपए लगने, वहाँ 100 रुपए से कम नहीं। अच्छा। और टाइमिंग का भी प्रॉब्लम हो गया पूरा, बहुत ही ज्यादा है। कोई ये इशू नहीं है, पता नहीं क्या है, ये किसानों का ही है या कोई और स्टंट चल रहा है, क्या है कुछ समझ नहीं, लेकिन आम पब्लिक परेशान है। कहने का मतलब मेरा ये है, प्रदर्शनकारी दिल्ली की सीमा में दाखिल ना हो सके इसके लिए सिंघू बॉर्डर पूरी तरह बंद किया गया है। पक्की दीवार के साथ कटीले तार लगाए गए हैं और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती भी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सीधे जी न्यूज़ पर आपको दिखाई दे रही है, कैसे लगातार इन्हें पक्का किया जा रहा है, इन कंक्रीट स्लैब्स को, और किलेबंदी की जा रही है। वैसे में ये देखना होगा कि अगर किसान शंभू बॉर्डर क्रॉस करने में कामयाब होते हैं तो सिंघू बॉर्डर पर उनका क्या रुख रहता है, क्योंकि पूरी तरह से तीन दिनों से जो हम लोग तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों से एक चीज़ तो साफ हो रही है कि दिल्ली पुलिस और किसान आपस में डाल डाल में बात बात का खेल रच रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की तरह ही टीकरी बॉर्डर में भी किलेबंदी कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सीमा पर सख्त पहरा है, जिसकी वजह से आम जनता की आफत बढ़ गई है। इस जो चादरों के बीच जो सीमेंट से पूरा पैक कर दिया गया और उसके बाद कटीले तार लगाया गया और उसके साथ ही यहां पर एसएसबी के जवान को तैनात किया गया, लेकिन इन सब के बीच आम लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, ये संकरी रास्ते से लोग यहां पर गुजर रहे हैं, उनकी परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। चाचा, किस तरह की दिक्कत हो रही है? बस आने जाने के दिल्ली पुलिस की परेशानी है। दिल्ली पुलिस किस तरह की दिक्कत हो रहा है सर? दिक्कत आने जाने की दिक्कत हो रही है, और क्या दिक्कत हो रही है। प्रदर्शनकारी किसानों की समस्याओं का हवाला देकर आंदोलित हैं, लेकिन उनका ये प्रदर्शन किसानों पर ही भारी पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सब्जी खेतों में ही खराब होने लगी है। किसानों की वजह से जो बॉर्डर सील हुए हैं, इससे जाम की स्थिति बन गई है, और जो जो गाड़ी जो सब्जी ले जाती है हमारी, वो बिल्कुल मना कर रहे हैं। मान लिया जो गाड़ी 2000 में जाती थी, आज 5000 रुपये में भी कोई गाड़ी वाला
तैयार नहीं है लेना ले जाने के लिए। अच्छा अब अब ये फसल हम अपने कटाई कर करके गिर रहे हैं जमीन में, क्या करें। किसान अपने बलबूते पे चलता है, किसान अपनी मेहनत से ही कमाता है, अपनी मेहनत से ही खाता है, किसान अपना पेट तो भरता ही है, जनता का भी पेट भरता है, किसान थोड़ा ही भूखा है। किसानों को तो एक एक वो बनाया जा रहा है, एक मोहरा बनाया जा रहा है, किसान नहीं है ये। संघर्ष लगातार बढ़ रहा है और संकट भी गहरा रहा है। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से आम आदमी पिस रहा है। जनता एक ही सवाल पूछ रही है, आखिर उसकी क्या गलती है, मगर इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। सिंघू बॉर्डर से शिवांग मिश्रा, टीकरी बॉर्डर से राजू राज और गाजीपुर बॉर्डर से आदित्य प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।